नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है स्टार्टिंग में जानना। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले या कर चुके हैं, ना जानने का नतीजा ये होगा कि इतना लॉस होगा कि जीवन और आपका अफसोस होगा कि काश मैं ये वीडियो देख लेता। देखो 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, वो आपको ही पता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको पता ही नहीं उसको करना क्या है, कौन सा ट्रेडिंग करना है वो पता ही नहीं है। इस कारण 90% लोग लॉस करते हैं। बहुत लोग देखते हैं ऑप्शन में प्रवेश कर लेते हैं। ऑप्शन में प्रवेश करने के रीजन क्या है मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब पर लोग प्रॉफिट देखते हैं, हैवी देखते हैं, किसी का 10 लाख का, 15 लाख का, 5 लाख का, वो सेकंडों मिनटों में कर लेते हैं। तो लोग बिलीव ही नहीं कर सकता कि यार इतना कैसे प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते वो लाखों का जो प्रॉफिट करते हैं इसके लिए कई साल मेहनत किया है, और उसका माइंडसेट और आपके माइंडसेट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसी प्रकार आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, बी एस स्विंग ट्रेडिंग बताने वाला हूँ, कौन सा बेटर आपके लिए हो सकता है ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ना जानोगे तो जीवन भर अफसोस होगा। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में सभी लोग शॉर्ट कट अमीर बनना चाहते हैं, शॉर्ट कट पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्ट कट में लाखपति बनना चाहते हैं। इसके वजह से क्या करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। और दूसरों को भी दूसरा देखता है ये लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा सकता, मैं भी कमा सकता हूं। वो भी चाहते हैं कि मैं आज नहीं कल से ही स्टार्ट कर दूं, कल से मेरा इतना आना स्टार्ट हो जाए। आप उसको ये नहीं पता है कि भाई साहब इसके लिए कई साल मेहनत की है तब इसका ये हाल हुआ है, तब वो इतना कमा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको भी आज मैं आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है अभी के लिए फिलहाल। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहिए, आपके माइंडसेट के हिसाब से आपको खुद चूज करना है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग का सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में हाईली रिस्क होता है, हाईली रिवार्ड भी होता है। मतलब अगर आपका 10,000 का प्रॉफिट सेकेंड में लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब 10,000 अगर आपके पास कैपिटल है लाखों में कन्वर्ट हो सकता है, मिनटों में लाखों बन सकता है, और 1 लाख कैपिटल सेकेंडों में जीरो भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग हाईली रिस्क एंड रिवार्ड का खेल है। मतलब इसका मतलब आप जानते हैं कि छोटा सा मिस्टेक आपका जो छोटा लॉस है वो बड़ा लॉस हो सकता है, आपका प्रॉफिट छोटा प्रॉफिट वो भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आपको ये भी छोटा सा मिस्टेक प्रॉफिट भी जो दिख रहा है वो लॉस में भी कन्वर्ट आ सकता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपका टेक्निकल का हाई मतलब मास्टर होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस में आपको मास्टर होना चाहिए, प्लस आपको माइंडसेट जो है ना माइंडसेट आपको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्लस आपको साइकोलॉजी के बारे में जानकारी होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रूल रेगुलेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, प्लस आपके पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी होना चाहिए या कोई एक्स्ट्रा कोई काम होगा ये होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल बनने के लिए कम से कम 2 या 2 साल का टाइम तो देना ही पड़ेगा, तभी आप बन सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपको भी बताओ कि ऑप्शन ट्रेडिंग हाई रिस्क और हाई रिवार्ड का खेल है। मिनटों में आपको 10,000 1 लाख मिल जाएगा, मिनटों में 1 लाख जीरो भी बन सकता है, इतना खतरनाक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। वही हम स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात करता हूँ तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, रिस्क भी कम है, रिवार्ड भी कम, मतलब लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। मान लीजिए आज आप स्विंग ट्रेडिंग किए, तो अगर आज बाई किए तो अगर आपका आज प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, ये 1 हफ्ता बाद प्रॉफिट नहीं देता, आप उसे होल्ड कर सकते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता होल्ड कर सकते हैं, और जब आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। मतलब स्विंग ट्रेडिंग होता है क्या और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, 2 टाइप का ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। एक ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में भी, और इंटरडे ट्रेडिंग भी होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको आज बाई करना पड़ेगा तो आज ही सेल करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग भी ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, तो मैं ये बोलूँगा तो अभी आपको स्टार्टिंग में सोचना भी नहीं चाहिए। और स्विंग ट्रेडिंग में बात करूँ तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आज किसी भी कंपनी का स्टॉक को आज बाई किया, जैसे कैश के मैं बात कर रहा हूँ, उसे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 3 हफ्ता से पहले सेल कर देते हैं, 3 हफ्ता से पहले सेल करते हैं, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, जो डिलीवरी बेस में होता है, मतलब आपका लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है ना, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस भी होगा। लॉस मतलब इतना समझ लीजिए, अगर आपका टेक्निकल का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो 80% चांस है कि आपका लॉस नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत भी जानकारी है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या सब करना पड़ता है, ओनली फॉर आपका थोड़ा बहुत टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए, प्लस रिस्क मैनेजमेंट की जानकारी होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। वही ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, सेकंड में आपको प्रॉफिट लॉस कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में आपको जो प्रॉफिट है लॉस हो सकता है, लॉस है जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको जो माइंडसेट है ना, डिसीजन मेकिंग भी आपको बहुत फास्ट रखना पड़ेगा, मतलब तुरंत आपको डिसीजन को बदलना आना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एंड माइंडसेट का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, होंगे। इसलिए मैं बोलूँगा आपके हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, अगर आप सिंपल में बात बता देता हूँ, अगर आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई साहब और मुझे प्रॉफिट भी आ जाए ठीक ठाक, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही बेस्ट है। लेकिन आपके इच्छा में रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ तो आप ऑप्शन में जा सकते हो। लेकिन ऑप्शन में अगर आपका टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड जो
का नॉलेज नहीं है, माइंड सेट आपका सही नहीं है, तो फिर भी आप लॉस करने वाले हो, याद रखना। ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होने में कम से कम आपको 2 या 3 साल तो लगेगा, लेकिन ये मैं गारंटी बोलता हूँ। वही स्विंग ट्रेडिंग आप स्टार्ट करते हैं, इसमें रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी कम है। अगर आप 6 महीना ईमानदारी से मेहनत कर ली स्विंग ट्रेडिंग में, इजिली आप सफल बन सकते हो। इसमें लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। हाईएस्ट मान लीजिए आपका 10,000 कैपिटल है, आप बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए, जरूरी नहीं कि आप कम कैपिटल से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में। और ऑप्शन ट्रेडिंग में कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग प्रवेश क्यों करते हैं कि बोलते हैं कि 5,000 से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इस गलती की वजह से क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग लोग चूज करते हैं, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। लोगों को ये लगता है कि यार 5,000 ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकते हो तो मैं स्विंग ट्रेडिंग क्यों करूं। देखो स्विंग ट्रेडिंग में सिंपल बात, इसमें रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी कम है, और थोड़ा भी नॉलेज रहेगा तो आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप 6 महीने के अंदर सफल बन सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सफल बनने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, गारंटी नहीं है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आज कमा लिए तो कल कोई गारंटी नहीं, कल क्या होगा, आज वाला पैसा कल पूरा लॉस कर लोगे। ऐसा होता है कि लोग 1 हफ्ता लगातार कमाते हैं, 1 दिन छोटा सा मिस्टेक करोगे पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। क्योंकि इसमें इमोशन और डिसिप्लिन और रूल्स होता है, थोड़ा सा भी आप रूल्स को तोड़ोगे पूरा कैपिटल ही जीरो हो जाएगा, 100% श्योर। थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा कैपिटल ही जीरो हो जाएगा। लेकिन वही स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा, नहीं होगा, लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट आपको पता रहेगा, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ आपका एंट्री करना है, सिंपल। आपका ऑप्शन ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी आपका एक होना चाहिए सिंपल सा। स्टॉक सिलेक्शन बहुत सिंपल है, प्लस आपको रिस्क मैनेजमेंट और की जानकारी होना चाहिए, और कुछ भी नहीं। 6 महीने के अंदर आप अच्छा खासा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग से आप कमा सकते हैं। लेकिन वही ऑप्शन ट्रेडिंग में आप आज पैसा बन भी सकता है, बन भी गया तो कल गारंटी नहीं कि रुकेगा कि नहीं रुकेगा, जा भी सकता है। इतना है कि इसमें एक भी रूल्स तोड़ोगे स्वाहा। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में आपका मैन सेट, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग से बराबर पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल का भी अच्छा नॉलेज है, तो टेक्निकल का भी अच्छा नॉलेज है और रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट, और आपके पास सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा मनी है, तो भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जा सकते हो। लेकिन वही बोला ऑप्शन ट्रेडिंग सफल होने फिर भी आपको 1 साल तो आपको चाहिए, 1 साल तो लगेगा अगर आप रूल रेगुलेशन के साथ चलते भी हो तो। लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, कैपिटल जीरो हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो कौन सा आपको चूज करना आपके माइंडसेट के हिसाब से आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। इस वीडियो से क्या सीखना मुझे कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा जो लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।